Hello student, welcome to my YouTube channel Engineeringpedia. Here I am going to share with you architecture of 8085. तो आज हम देखेंगे architecture of 8085. तो ये रहा architecture of 8085. पहले हम देखेंगे, start करते हैं LU. LU क्या होता है? Arithmetic and Logic Unit. और ये जो होता है ये परफॉर्म, इसके नाम से पता चल रही है, अर्थमेटिक लॉजिक के लिए यूज़ होता है, जिसमें लाइक हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं. अब इससे जो जा रहा है ये फ्लैग, फ्लैग होता है वो, इट इज़ एन 8-bit रजिस्टर डैट स्टोर आइदर 0 or 1 डिपेंडिंग विच वैल्यू इज स्टोर इन द एक्यूमुलेटर. इस फ्लैग में हम 0 और 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये डिपेंड करेगा कि एक्यूमुलेटर में, ये जो है ना एक्यूमुलेटर, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, ये मतलब बताएगा कि कौन से वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. आइदर 0 स्टोर कर सकते हैं, आइदर 1 स्टोर कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि एक्यूमुलेटर होता क्या है. तो एक्यूमुलेटर जो होता है ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों के लिए यूज़ होता है. और ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये कनेक्टेड होता है अर्थमेटिक लॉज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से, और ये 8-bit इंटरनल डेटा बस इससे भी कनेक्टेड है. ये रहा. अब हम देखेंगे कि ये सब जो है ये सब जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं. ये टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है और ये 8-bit वैल्यूज स्टोर करते हैं. और ये अगर ये दोनों दो पेयर में है ना, अगर दोनों का पेयर हम करेंगे तो ये दोनों पेयर मिलके होते हैं 16-bit. ठीक है. अब ये जो PC है ये प्रोग्राम काउंटर होता है. प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है? ये जो होता है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और ये 16-bit का होता है. और ये जो SP है, SP ये स्टैक पॉइंटर होता है. स्टैक पॉइंटर होता है वो भी इस मतलब जो भी इसमें डेटा होता है उसको स्टोर करता है, और ये भी 16-bit होता है. और ये जो नीचे वाला है ये टेम्प्रेरी रजिस्टर है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है. ये जो ये CPU के मतलब CPU जैसा, कंप्यूटर में CPU होता है उसके जैसा ये काम करता है. और ये जो टाइमिंग है इसमें लाइक कंट्रोल सिग्नल, DMA सिग्नल, रीसेट सिग्नल और स्टेटस सिग्नल होता है. ये सब नीचे लिखा है, स्टेटस सिग्नल है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल इनेबल है, ये सबका अलग अलग होता है काम. ठीक है. और ये जो पार्ट है इस ब्लॉक डायग्राम में ये ट्रैप होता है. ठीक है. ये कितने ट्रैप टोटल हैं? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ट्रैप है. टोटल 5 इंटरप्ट सिग्नल होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में. जो हाईएस्ट जो वैल्यू होती है इसकी होती है ट्रैप की वैल्यू. और इसमें ये रहा, इसमें एड्रेस बस और डेटा बस होते हैं. जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. ये रहा डेटा बस, ये बाई डायरेक्शनल काम करता है. और एड्रेस बस जो होता है 8085 पे वो यूनी डायरेक्शनल होता है. और इसमें सीरियल इनपुट, ये जो सीरियल इनपुट आउटपुट है ये SID सीरियल इनपुट आउटपुट और सीरियल आउटपुट, ये बस इतना ही है. बाकी आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं डिटेल्स में भी वीडियो बनाऊंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट.